का रोशन है दरबार मैया क्या कहना। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जुड़ी किसी भी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आर आर एक्सट्रीम और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। एक बार फिर से मैं आप सभी भक्तों के लिए नई और बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हूं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते सबसे पहले मौसम की। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं का जाने का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं हिंदुओं का धार्मिक स्थल श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन, अब श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। लेकिन सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर में बर्फ का पड़ना लाजिमी है, तो ऐसे में अगर आप भी वैष्णो देवी दर्शन करने का सोच रहे हैं तो मौसम का हाल जरूर जान लें। अब बात करें मौसम की, तो आपको बता दूं कि भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू के रियासी इलाके में अगले 7 दिनों तक मौसम में भारी बदलाव होने का पूर्वानुमान लगाया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार श्री माता वैष्णो देवी धाम में तेज आंधी के साथ साथ बारिश होने का भी भरपूर संभावना बताई गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी खबर है उन भक्तों के लिए जो माता वैष्णो देवी यात्रा पे जाने वाले हैं। तो आपके लिए एडवाइजेबल यही होगा कि जब आप यात्रा पे जाएं तो अपनी ज़रूरी के सामान जैसे कि रेनकोट, छाता आदि को साथ में ले जाना ना भूलें। बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट की। तो अभी भी कोविड का निगेटिव रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब अगर आप अपने होम टाउन से अपना निगेटिव टेस्ट लेकर के जा रहे हैं तो आपको दोबारा से अपना टेस्ट नहीं कराना होगा, आपको नहीं किया जाएगा टेस्ट दोबारा से, और आपको आराम से यात्रा की अनुमति दे दी जाएगी। अब बात करते हैं यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। तो आपको बता दूं कि हमेशा की तरह यात्रा मार्ग पे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आदि की सेवा उपलब्ध मिलेगी आपको। अगर आप चाहें तो इन सेवाओं का उपयोग करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जाकर के जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय माता दी।